हेलो स्टूडेंट, आई एम राजू जायसवाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनबैलेंस्ड फोर्सेस। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। दिस फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर नोन एज द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यदि टू फोर्सेस जो अनइक्वल मैग्नीट्यूड के हों और वो ऑब्जेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करें, सपोज 5 न्यूटन्स का फोर्स और 10 न्यूटन्स के दो फोर्सेस हैं जो उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक साथ वर्क कर रहे हैं, और यदि ऑब्जेक्ट लार्जर फोर्स के डायरेक्शन में मूव करें तो उन फोर्सों को हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। यदि किसी ऑब्जेक्ट पे जितने फोर्स वर्क कर रहे हैं उनका रिजल्टेंट यदि जीरो नहीं है तो उन फोर्सों को हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। बैलेंस्ड फोर्सेस में हम लोग देखे थे कि जो फोर्सेस वर्क कर रहे थे ऑब्जेक्ट पे उनका रिजल्टेंट क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होगा, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी दे प्रोड्यूस अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन। यदि किसी ऑब्जेक्ट पर अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, उसमें चेंजेस करेगा। मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट में है और उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स वर्क कर रहा है तो वो बॉडी जो है मूव करने लगेगा, मोशन में। यदि मोशन में है तो अनबैलेंस्ड फोर्स हम वर्क करके उसको रेस्ट में ला सकते हैं, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। व्हेन अ बॉय ड्रैग अ बॉक्स ऑन द फ्लोर देन द अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉक्स। द फोर्स ऑफ पुल इज अप्लाइड बाय द बॉय एक्ट ऑन द बॉक्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन and the force of friction between the lower surface of the box and the surface of the floor act in the backward directions, and the box move in the direction of unbalanced force, that is in the direction of pulling force। यानी एक बच्चा है जो कि बैग को खींच रहा है फ्लोर पे, तो बॉय के थ्रू जो फोर्स वर्क कर रहा है बॉक्स पे वह अनबैलेंस्ड फोर्स होगा यदि वह बॉक्स को मूव करा ले जा रहा है। एक्चुअली में जो फोर्स हम वर्क करेंगे यहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है, यानी बॉय का जो बॉय फोर्स लगाएगा वह अप्लाइड फोर्स, यानी वह अप्लाइड फोर्स होगा। उसके अगेंस्ट में जो फोर्स वर्क कर रहा है वह फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स उस बैक और फ्लोर के बीच में वर्क कर रहा है। यदि उस बॉय के थ्रू जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा होगा तभी बैग मूव करेगा, और किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में बॉय उसे पुलिंग करेगा। ओके, तो अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। Okay, you got it. In the next class, we will discuss the Newton's laws of motion.